और कैसे और जोर से खाली पेट नहीं बजा यार, खाली पेट ना बजे और क्या ताकत ही ना है, वाकई में भूखे हैं। जब से मोदी सरकार आई है महंगाई बढ़ती जा रही है पहले दस, जब से मोदी सरकार आई है महंगाई बढ़ती जा रही है पहले 10.84 में 10 रुपए से खर्चा चलता था मेरा, मैं तो सही कहा मोदी का गोली काट दे खड़ा करके महंगाई, महंगाई कर दी ना, सिलेंडर चूल्हा लकड़ी भी कड़ से लाओ गर्मी में चुका। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आज नींबू गर्मी का महीना है 200 के पार है, हरी मिर्च है वो 200 रुपए से पार है, और दाड़े हैं ये जो डिब्बे हैं ये रसोई में खाली हैं, ये गैस सिलेंडर हैं उज्ज्वला करते नहीं थकते थे, जबकि उज्ज्वला के नाम से वोट लिए इन्होंने। महंगाई तो बहुत है जी, हर महीना आए दिन देखते रहते हैं कि कोई ना कोई प्रिंट रेट बढ़ा रहता है, साबुन हो सोडा हो, जो शैम्पू 100 रुपया का 99 का आया करता लोरियल का, वो 159 रुपया का आ रहा है जी इस बार। हरी मिर्च कोई फ्री में दिया करता था सब्जी वाले, वो भी नहीं दे रहे हैं, 200 रुपये किलो। नींबू 60 रुपये पहिया, बताओ हर चीज़ जो दाल हो या चावल आटा हर चीज़ में महंगा है, तनख्वाह तो बढ़ी नहीं जी। अब हम लोग तो भाई एक किस्म का मजदूर आदमी हैं, किसको दोष दूँ, सरकार को दोष दूँ या ये भ्रष्टाचार को दोष दूँ, समझ में तो नहीं आता है कि कौन कहाँ से महंगाई बढ़ा रहा है, जमाखोरी है क्या है, उतना पढ़ा लिखा भी नहीं कि मैं कुछ और बोल सकूं, लेकिन कुल मिला के महंगाई से त्रस्त हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रिज किशोर सिन्हा है। बर्बाद कर दिया इसने मोदी सरकार, कांग्रेस के राज सही था, कांग्रेस का राज सही था पहले। हाथ में थाली है क्या करें, रोटी तो है नहीं तो थाली मोदी लगा कर रखनी पड़ती है, हैं जी क्या कहना चाहते हैं, रोवांगे मोदी ने बैठ बैठ के और क्या करे, और बच्चों को थाली डिब्बे लिए क्या बताना चाह रहे हैं? ये बताना चाह रहे हैं मोदी ने हमारे कारण महंगाई बहुत बढ़ा रखी है, बहुत ज्यादा महंगाई हो रही है। मेरे परिवार में हम 22 मेंबर है, 22 मेंबर में हर रोज में पहले 8 किलो 7 किलो सब्जी बनाती थी, आज इतनी महंगाई उस परिवार के अंदर 1.5 किलो सब्जी में सारा लगा रहे, सारे 1.5 किलो सब्जी में खाना खाते हैं, ये कह रहे हैं हमारे मजदूरी में महंगाई बंद करो, महंगाई बंद करो, बहुत ज्यादा होगी महंगाई है, बंद करो बस, हम यही चाहते हैं, हम जैसे गरीब मारे जा रहे हैं इनसे, सिलेंडर भी बहुत है सब्जी भी बहुत है, तो महंगाई बंद करो। बताएंगे आज सिलेंडरों के साथ आप प्रदर्शन कर रहे हैं? हाँ जी, आज सड़क पे रखकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर पूरे देश में जो मोदी सरकार द्वारा महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल गैस तमाम खाने पीने की चीज़ें दवाई हर चीज़ जो महंगी हुई है, अभी ताज़ा ही 50 रुपये जो गैस की सिलेंडर में जो बढ़ोतरी की है, और पेट्रोल डीजल का तो हर दिन ये बढ़ा रहे हैं, बिजली के रेट बढ़ाए हैं, इस महंगाई के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन है, और आज हिसार की भारत की कम्युनिस्ट पार्टी जिला कमेटी की ओर से यहाँ प्रदर्शन किया गया, और रोज स्वरूपी महंगाई के खिलाफ मोदी का पुतला फूंका गया है। अभी हमारे साथी पुतला फूंक के अभी गए, कुछ साथी हम रुके हुए थे अभी, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आज नींबू गर्मी का महीना है 200 के पार है, हरी मिर्च है वो 200 रुपए से पार है, और दाड़े हैं ये जो डिब्बे हैं ये रसोई में खाली हैं, ये गैस सिलेंडर हैं उज्ज्वला करते नहीं थकते थे, जबकि उज्ज्वला के नाम से वोट लिए इन्होंने, लेकिन आज उज्ज्वला स्कीम के तहत पैसों में इनकी जो सब्सिडी मिलती 6400 रुपए के सिलेंडर पड़ा उनको, लेकिन अब ये सिलेंडर भरवा नहीं सकते, और अभी बहुत सी महिलाओं ने टांड पर ठा के रख दिए हैं, क्योंकि उनको काम नहीं है, रोजगार नहीं है, ऊपर से इतनी महंगाई है, और आप देखेंगे या नहर पे आप चले जाओ, आप किसी भी एरिया में गरीब तबके में चले जाओ, महिलाओं के सिर पे लकड़ी का बंडल है, वो लकड़ी इकट्ठे करने का काम करती हैं ताकि हमारा चूल्हा वो चल सके। जो मोदी जी कहते थे कि मेरी बहनों की आंखें खराब हो गई हैं, आज ये महिलाएं पूछ रही है कि अब कहाँ हो तुम,
जो हमें बेवकूफ़ बनाते रहे, और अभी हम वो सिलेंडर भरवा नहीं सकते हैं, दोबारा से वो लकड़ी इकट्ठा करके अपना जीवन यापन कर रही हैं, और वो भी पकाने के लिए उनके घरों में रसोई में दाल चावल इतनी महंगे हो गई, खाने पीने की चीज़ें वो बना नहीं सकती हैं। इसलिए 100 रोज़ 100 रूप अभी सैकड़ों की संख्या में हमने प्रोटेस्ट किया था कि आप लोग थोड़ा भी लेट आए हैं, इसलिए अभी हमारे लोग हैं ये विरोध प्रदर्शन करके पुतला फूंक के गए हैं, और आने वाले समय में भी जनता है ये महंगाई के खिलाफ़ और सरकार की गुंडागर्दी तानाशाही के खिलाफ है, वो एकजुट होकर लड़ेंगी। ये अमीर परस्त नीतियाँ नहीं चल सकती, अमरीकों से यारी और जनता से गद्दारी नहीं चलेगी। ये महिलाएं हैं, ये अभी नारे लगाते हुए अभी प्रोटेस्ट किया था, CPM पार्टी के लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि ये महंगाई कहाँ से आई, चोरों की सरकार से आई, रोको रोको ये महंगाई, गुंडागर्दी और तानाशाही। इसलिए एक सवाल, आम जन रोजाना प्रदर्शन करता है मगर सरकार टस से मस नहीं हो रही है भाई। देखिए सरकार तो उनको अभी ये भरोसा है कि हमारे असलियत में तो ये सरकार है, ये कारपोरेट घराने चला रहे हैं, ये स्टैंप है मोदी और अमित शाह और के रूप में तो कारपोरेट की सरकार है, मीडिया में उनका प्रचार है, पैसे में वो खरीदते हैं, गरीब को दबाते हैं, गरीब को फुर्सत नहीं है अपनी रोजी रोटी से ही कमाने, क्योंकि अगर कुछ कमा के लाएंगे तो शाम को उनका चूल्हा जलेगा। तो चंद्रा कोई खबर नहीं, इसलिए ये कितनी साल 60 साल से ऊपर है, इनकी कोई पेंशन नहीं है जी, इनके पूछूंगा माता जी नाम बताइए आप। कृष्णा देवी। क्या हो रहा है, हाथ में थाली है, क्या करें, रोटी तो है नहीं तो थाली मोदी लगा कर रखनी पड़ती है। जी क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूंगी इतनी महंगाई जो करी है ना, ये बंद करे जी, वापिस लो अपनी। चलिए, जब से मोदी सरकार आई है महंगाई बढ़ती जा रही है। पहले 1984 में 10 रुपए से खर्चा चलता था मेरा घर का खर्चा। तो उम्र आपकी 60 साल है। हाँ, और आप कितना बदलाव देख रहे हैं? कुछ बहुत बदलाव हो गया भैया, रात दिन का फर्क हो गया है। मोदी सरकार 10 रुपए में क्या हुआ? बहुत बर्बाद कर दिया इसने मोदी सरकार। कांग्रेस के राज सही था, कांग्रेस का राज सही था पहले, मोदी का तो खड़ा करके 10 रुपए में। जी हाँ बताओ अभी। मैं तो सही कहा, मोदी का गोली काट दे खड़ा करके, महंगाई कर दी ना, सिलेंडर चूल्हा लकड़ी भी कड़ सा लाओ गर्मी में चुका। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम भी यही बस मजदूरी करा, मजदूरी करा, काम करते हैं। ये बस अड्डा है ना, और बुरी हालत है, पेशन गर्म फटक है ना, पैसे ही नहीं बचती है वहाँ, जाके देखो गर्मी हो जाए तो कोई नहीं मुगा। स्टेशन के पास डबल फाटक, डबल फाटक के पास महावीर कॉलोनी वाला फाटक नहीं है, इसके पास क्रांति नगर है जी, वहाँ के रहने वाले। सब कहना चाहेंगे आप जो महंगाई को लेकर आज प्रदर्शन? महंगाई के खिलाफ तो जी बोलना ही पड़ेगा, और क्या कहना चाहेंगे, महंगाई रोवांगे मोदी ने बैठ बैठ के, और क्या करे, और बच्चे को दूध नहीं मिलता, कहाँ से लाए बताओ, दूध इतना महंगा। चलिए क्या कैसे दूध बंद करा, क्या मतलब समझ नहीं, बच्चा दूध पीता है जी, इतना महंगा है, कमाई नहीं है, इसलिए महंगाई के लिए दूध बंद कर दिया, एक दिहाड़ी मजदूरी है सिर्फ, मिड डे मील में काम करा करती वो भी हटा दिया। महंगाई डाइन आवत जात रहे, बहुत मैं कहूंगा आप इससे वाकिफ है, इस वाक्य से तो कैसे समझाएंगे इसको, एक गाना आया था महंगाई डाइन आवत जात रहे, वो कहानी आज दिख रही है क्या? हाँ जी बिल्कुल सच्चाई है, और ये डाइन जो महंगाई है इसने जो जीना दूबर कर दिया है, और आज आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चों को आंगनवाड़ी में जो दूध है और उनकी न्यूट्रिशन के लिए जो मिलना चाहिए वो, क्योंकि इसलिए आंगनवाड़ी की हड़ताल वापिस सरकार नहीं लेना चाहती, ताकि सरकार को कुछ छोटे बच्चों को गर्भवती महिलाओं को ना देना पड़े, क्योंकि इस आंगनवाड़ी वर्कर अकेली प्रभावित नहीं है, बेनिफिशरी है वो भी प्रभावित है, आज मिड डे मील में है बच्चों को खाना नहीं है, पहले ही हम कुपोषित हैं, 116 देशों में से 101वां स्थान है इंडिया का, लेकिन यहाँ लोगों को ना डिपो पे राशन मिल रहा है, अब चुनाव के समय में ये यूपी में राशन फ्री, लेकिन ये आप किसी भी शहर में गरीब मोहल्ले का गांव का आप सर्वे करके देखिए, उन लोगों से पूछिए, ना सरसों का तेल है, तेल बंद कर दिया, ना वहाँ पे इनको राशन है, ना दाल है, जब इसलिए एक बड़ा सवाल है आम गरीब जनता के लिए, कि जो कहता था मैं तो चाय बनाने वाला हूँ, मैं तो गरीब प्रधानमंत्री हूँ, गरीबों की सुनेगा, लेकिन ये एक तरह से बहरूपिया है, ये मदारी है, अभी बहरूपिया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह रहे हैं कि क्या क्या ये अलग अलग स्टेट में जाके क्या क्या बहरूपिये की तरह उनके ड्रेस पहन के रंग बदलता है कि मैं आपका ही हूँ,
असलियत में गरीब जनता का, महिलाओं का ये दुश्मन है और ये पूंजीपतियों का दलाल है, पूंजीपतियों का यार है। उनकी चिंता है कि अदाणी की कितनी प्रॉपर्टी बढ़ानी है, अंबानी की कितनी बढ़ानी है। आप देखेंगे कि उनके तो विदेशों से भी आगे निकल गए हैं अदाणी जी, तो ऐसे थोड़ी निकल गए, मोदी की वाई वाई है उनकी, बिल्कुल उनका सर पे हाथ है। इसलिए उनको अदाणी अंबानी जी, ये सोशल मीडिया है जो कुछ खबर दिखा देता है, इसलिए बड़े बड़े चैनल है ये पूंजीपतियों की है। और वो आज भी गीत है वो मोदी के और उनके गारे हैं, असलियत तस्वीरें वो दिखा नहीं रहे हैं, वो आप देख रहे हैं। अब ये कोशिश करते हैं कि लोगों को हिंदू मुसलमान, कभी ये द कश्मीर फाइल हुआ पिक्चर लेके आते हैं कि मुसलमान बहुत निकर्मे हैं, कभी ये जाट नॉन जाट लोगों को लड़वाने का काम करते हैं, इस और अपने शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार अपनी रसोई चूल्हे का अपना पेट के सवाल पर लोग हैं वो लड़ेंगे और जवाब मांगेंगे। इसलिए जो आंगनबाड़ी वाली भी आजकल जो लगाती है नारा कि यो मोदी नहीं मदारी है, इसका कोरोना की बीमारी है, कोरोना की बीमारी में सब कोई ने और को लपेट दिया।